गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट थ्योरम? सी द स्टेटमेंट, इट इज रिटन हियर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इट मींस इन अ ट्रायंगल, suppose that triangle is ABC, लिखा है कि joining the midpoint of two sides of a triangle, दो साइड इसमें से देख लीजिए, एक साइड है AB और दूसरी है AC, AB का midpoint है D, यहाँ पर मैं इक्वल लगा दे रहे हैं, ये midpoint, और AC का midpoint E, that is AE equal to EC, यहाँ से देखिएगा, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में डी एंड ई मिड पॉइंट हैं रिस्पेक्टिवली ए बी और ए सी की। तो आगे इसमें लिखा है ये जो डी ई लाइन सेगमेंट मिलेगा ये थर्ड साइड मींस बी सी के पैरेलल होगा और ये डी ई जो होगा बी सी का आधा होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो इसमें गिवन में क्या है, गिवन में दो चीजें हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ BC, करेक्ट? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, गिवन में हमने आपको बताया कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूफ DE पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू हाफ बी सी, इसमें हमको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू सी पी, एक मिनट, हाँ जी, सी सी पी पैरेलल टू यहां पर हो जाएगा ए बी, ड्रॉ सी पी, अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी के पैरेलल, का नाम है CP, ठीक है, इसके पैरेलल में AB के पैरेलल, प्रोड्यूस DE विच इंटरसेक्ट CP एट F, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आगे बढ़ाएंगे, जो कि CP को F पॉइंट पे कट, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लो, ये लाइन जो हमने ये खींची हुई है CF, CP या CF जिसको जो भी कहना चाहें, ये AB के पैरेलल में है और ये DE आगे बढ़ाई गई है जो कि CP को F पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना? यस। अब स्टूडेंट्स प्रूफ पर आ जाइए, चलिए इसका प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें आपको दो चीजें प्रूफ करनी है, फर्स्ट तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ए डी ई दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी एंड ट्रायंगल ए ई डी की जगह लिखेंगे सी ई एफ, सी ई एफ। अब चलिए बताइए कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक तो सीधा सीधा आपको यही दिख रहा है ना कि AE equal to EC, AE equal to EC, क्यों, रीजन क्या है, रीजन है, बहुत बढ़िया। और दूसरा आ गया ये, और देखिए क्या दोनों ट्रेनिंग में दिखा है, हां जी, एंगल AED और एंगल CEF, वर्टिकल बहुत बढ़िया, एंगल AED इक्वल टू एंगल CE F वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वल हो गया, बहुत बढ़िया। दो चीजें आपको मिल गई, एक आपने कहा सर ये इसके बराबर है, सॉरी ये इसके बराबर आपने कहा, और एक साइड ये का, अब इसके बारे में भी कह सकते हैं एंगल एंगल DAE, एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCF,
हाँ अच्छा ई सी एफ को कहो दोनों से ही ई सी एफ कह देते हैं। ई सी एफ क्यों होगा? रीजन क्या है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए ना? अल्टरनेट होगा ना, ये देखो ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, एसी ट्रांसवर्सल हो गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखो तीन चीजें हो गई ना, दो एंगल हो गया, ये देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा? एएसए। यस एएस नहीं, देखो एंगल है, एंगल है और बीच वाली साइड है, तो एएसए। सो ट्रायंगल एईडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF by which property? ASA से congruent हो गया। अब जैसे ही congruent हुआ वैसे क्या हो जाएगा? CP CP से दो साइड इक्वल हो जाएंगी और दो बाकी के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो आपको क्या मिल गया कि AD, हाँ AD equal to क्या मिल गया? AD equal to CF plus AD equal to CF। देखो AD CF की पोजीशन देखो। Yes sir। क्या हो जाएगा? CP 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 CD हो जाएगा। By CP CP से कोई नहीं। लेकिन but AD equal to आपको कुछ और दिया है DB। ये क्यों है? ये आपको given में जल्दी से लिखा ना है। ध्यान से देखो AD equal to DB आपको given में है। और AD equal to CF आपको CPCT से मिला। इन दोनों रिजल्ट से क्या मिला? CF equal to DB। बहुत बढ़िया, CF equal to DB मिल गया। मिल गया? यहाँ देखो ये CF और ये DB equal है। Equal मिल गया, proof हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, CF parallel to DB भी तो है। कौन parallelogram होगा? Construction किया है आपने। And CF also CF parallel to DB by construction construct किया हुआ है। हाँ देख लो, किया ना पहले लाइन में, यहाँ construct में ये पूरी लाइन बड़ी लाइन थी, जो पूरी लाइन है तो पार्ट भी तो उसका parallel होगा। अब CF और DB, CF और DB को ध्यान से देखो, one pair of opposite sides is parallel and equal of a quadrilateral, then this quadrilateral will be a parallelogram. So इसका नाम है B, मैं so BCFD will be a parallelogram, is a parallelogram, हो गया, एक parallelogram हो गया। अब अगर पैरेललोग्राम हो गया, ये वाला ये चीज पैरेललोग्राम हो गई है, ठीक है ना? ये वाला ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। इसका मतलब हुआ कि डीएफ पैरेलल टू बीसी हुआ। सो डीएफ पैरेलल टू बीसी एंड डीएफ इक्वल टू बीसी क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके यस सर, क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब ध्यान से देखिए, अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो डीई बीसी के पैरेलल नहीं होगा क्या? वही लाइन तो है, देखो डीएफ सी और डीई सी का पार्ट। यस सर, यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इंप्लाइज डीई पैरेलल टू बीसी एंड अच्छा डीएफ इक्वल टू बीसी है। तो ध्यान से देखो, एक चीज हम यहां पर और लिख सकते थे कि जहां सीपी सीटी को हमने यूज किया था, यहां पर हम बढ़ा देते हैं एंड लिख देते हैं एंड, ठीक है ना? एंड क्या चीज? यहां सीपी सीटी ईडी इक्वल टू, ईडी इक्वल टू क्या होगा? एंड ईडी इक्वल टू ईडी इक्वल टू ईएफ भी होगा। ध्यान से देखो, होगा कि नहीं होगा? ये भी वाई सी पी सी, ठीक है? क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर लिए। अब समझ गए कि ये वाला, ये देखो ये वाला भी इसके बराबर हो गया। अब जहां चूंकि दोनों पार्ट बराबर हैं,
तो जहां df है वहां 2de लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं ना। क्या लिख देंगे? 2de इक्वल टू bc, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे de पैरेलल टू bc एंड de अब टू उधर भेज देंगे हाफ ऑफ bc। ध्यान से देख लो, हाफ ऑफ bc, ओके। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ 2de लिखे थे, यहाँ पर भी 2de लिख सकते थे। तो यहाँ पर पैरेलल से कोई मतलब नहीं बनता, वो तो कोई बड़ी लाइन है अगर पैरेलल है, अगर लाइन छोटी हो जाएगी तो भी पैरेलल रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर df की जगह पर 2de लिखेंगे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, करेक्ट है ना? तो आई थिंक समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। आपके बुक में जो स्टेटमेंट है थर्ड साइड तक है, लेकिन ये भी होता है, इसलिए हमने इसको आगे स्टेटमेंट को बढ़ा दिया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। देख लो अच्छे से, समझ लो, फिर इसको कंप्लीट करें। समझ गए हैं? लगाना देख लीजिए कैसे बनाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे गिवन टू प्रूफ, और ये प्रूफ कैसे करेंगे फाइनल रिजल्ट। Okay? Yes, sir. So, should I stop it?